28 वर्ष पर राय आसला और राय रे समस्त अभियुक्त मुक्त होती। बाबरी मस्जिद ढांचा भंग घटन सबु अभियुक्त दोषमुक्त होती। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत अन्य अभियुक्त को दोषमुक्त कर लखनऊर स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। प्रमाण अभाव मामलार छाड़ सबु अभियुक्त और स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट विचारपति बाबरी मस्जिद भंगा घटना पूर्व प्रायोजित नाला। मस्जिद भंगा घटन षड़ कौन निर्दिष्ट प्रमाण ना। 1992 मसीहा डिसेंबर 6 बाबरी मस्जिद बदय ढांचा को भंगा जाता से ही समय सेठे आडवाणी जोशी समेत अनेक अभियुक्त उपस्थित अभोग बदय ढांचा भांगा को समस्ते उपस्थित लोकं उई अभोग मामलें अभुक्त 32 जन 28 वर्षर पुणा मामलें पूर्वतन उप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, यूपी पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्वतन केन्द्रमंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्वतन मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी रिदंबरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय समेत 32 जन अभियुक्त। पूर्व मामलें अभियुक्त अन्य 17 जन मृत्यु हो सारी। मामलार अभियुक्त विरोध में 351 जन साक्षी को हाजर कर 610 दस्तावेज दि सेप्टेम्बर 1 कोर्ट शुणाणी शेष कर आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया, सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आया, इस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशन रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी देवतागढ़ थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कार्यरत न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए शांतिपूर्ण ढंग से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतया पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था, विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। अदालत ने कह दिया कि वो कोई साजिश नहीं थी, सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। प्रभु राम जी का, हनुमान जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हुआ था राम जी के लिए हुआ था, हनुमान जी कृपा से हुआ था, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सबका एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तह नहीं थे, के तहत नहीं थे, वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद।
तेज 28 वर्ष पर राय आसी रायर समस्त अभियुक्त मुक्त होती। बाबरी मस्जिद ढांचा भंगा घटन 32 जन अभियुक्त वर्तमान दोषमुक्त होता कथा राय रे प्रकाशित ऐतिहासिक घटना निश्चित भाव एने की अधिक आलोचना करने विक्रम महापात्र ऐतिहासिक अच्छा आम सहित फोन लाइन में श्रीयुक्त महापात्र आपको स्वागत करुच्ची न्यूज एट नोड़िया को। वर्तमान 28 वर्ष तलर यह घटना 1992 घटना एते बड़ गुरुत्वपूर्ण घटना जहाँ की राय प्रकाशित होइछि केमि देखुछन्ति आपण ए राय को प्रथमे एटा सारा विश्व पई ओटा ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी राय आको सारा विश्व स्वागत करिवो कारण आमे गोटे भूल कांसेप्ट लेकि चालिथलु जहाँ को बाबरी मस्जिद कह जाउछि सेटा गोटे कपोल कल्पित कथा मस्जिद रा कोनोसी व्यवस्था सेट नथला बाबरी मस्जिद नार किछि नथला जहा थिला सेटा गोटे जराजीर्ण राम मंदिर ढांचा थिला जहाकु परिष्कार करी सेट पुनी नूतन मंदिर प्लान्यास प्रस्तुति करा जायथिला तेणु सेठी बाबरी मस्जिद कोनोसी चिन्ह बर्ण नथिला कोनोसी मुसलमान दिने जाई सेठी नमाज पढ़ु नथिले मस्जिद अर्थ सेठी नमाज पाठ हवा कथा मुसलमान मान सेठी कोनोसी समय सेठी नमाज पाठ करनाथि तार कोनोसी ऐतिहासिक दलील नाही केवल गोटे राजनैतिक ढंग दई हिंदू मानसिकता को आघात करने आघात करने बाबरी मस्जिद कल्पना करोर्ट रे तो तार समस्त ऐतिहासिक दलील दस्तावेज दाखल ताकु सब अनुसंधान करके अनुध्यान करके कोर्ट जो निष्पत्ति निश्चित भाव गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप सारा समाज धर्म जाति वर्ण निर्विशेष समस्त या स्वागत कर। अच्छा सेतेबेले जेउ माने सब अभियुक्त हिसाब रे परिगणित हेउथिले 28 वर्ष तलर कथा वरिष्ठ नेतृत्व माने थिले एवं वर्षियन व्यक्ति माने अछंती वर्तमान केते जणकर परलोक मध्ये होइ सारिछि आउ जेउ केते जण अछंती सेमान मध्ये गोटे आत्मग्लानी भितर वर्तमान पर्यंत थिले कि हुए तो सेमान अभियुक्त प्रमाणित हेउछंती कि नाही से नै किछि भी कांसेप्ट क्लियर नथिला किंतु आज सेमान आश्वस्ति लाभ करिछंती। हां जेउ मानको नारे राजनीतिक कारण रु अभियोग फर्द दाखल कर वास्तविक से दिन जो मैंने से जगह उपस्थित थिले सेमानकर भूमिका निरपेक्ष थिला सेमाने अनुरोध करूथले जे से प्रकार कार्य न करिया पई जेतेबेले लोक मैंने से एकत्रित थिले कर सेवक मैंने कर सेवा करिया पई समस्त आशा थिला जे केन्द्र सरकार कर हस्तक्षेप हो बा कोर्ट राय मिलो से प्रतीकात्मक कर सेवा हबो समस्त सरजु नदी रु मुठ मुठ बाली धरी आसीथिले प्रतीकात्मक भाव रे कर सेवा करिया पई किंतु जतले अपेक्षार अंत घटेला कोनोसी न्याय मिलेला नाही तेणु उत्क्षिप्त होई किछि व्यक्ति सेट जो मंदिर ऊपर को चढ़ी भंगारुजा कले जो मानको नारे अभियोग आसीथिला सेमाने अनुरोध करथुले से प्रकार कोनोसी काम कर न करिया पई तेणु सेमाने उत्साहित करि नाहंती सेमाने बरं अपील करूथले अनुरोध करूथले जे ता ऊपर के न चढ़िया पई ताकु के नष्ट न करिया पई किंतु एटा सामूहिक असंतोष कोर्ट रो जो बारंबार घटना को विलंबित करिवा ता विरुद्ध रे प्रतिक्रिया सेटा थिला सेतर कोनोसी नेतृत्व काहा को उत्साहित करिनाहती काहा को प्ररोचना करिनथले जे ताकु भांगिया पई तनो से संपर्क रे कोनोसी प्रमाण नथिबा कारण रु कोर्ट एते दिन परे ताकु घटना को गडै 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 जहाँ भी हो विराट बड़ अभियोग गुरुत्वपूर्ण मामलार वर्तमान राय आसी सारी पक्षर नेक्स्ट किसी पदक्षेप नि प्रभाव कौन रही देखो आज्ञा ये भारत बर्ष आईन शासन चले कोर्ट कचेरी समस्त आशा भरोसा अधिकार अच्छी तेणु जो न्यायालय रु ये विचार मिलला तार ऊपर पक्ष को ऊपर न्यायालय को जीवार अधिकार समस्त तेणु से निश्चित भाव से जापरवे आोला अच्छे स्वागत करा कराऊ स्वागत करवा दरकार जे कोर्ट तार शेष सर्वोच्च अदालत रु ये निष्पत्ति आसवा पर्यत निश्चित भाव ये तो भारत बर्षर न्यायिक प्रक्रिया समस्त से अधिकार अच्छी संविधानिक अधिकार अच्छी जापरि से किसी ब्रत हवार ना आवश्यक बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त महापात्र आम सहित आलोचन भाग नहीं और हमारे
सभी जितने आरोपी थे सब बाइज्जत बरी हो गए, सब ने भगवान का कार्य किया है और उसमें से कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने पूरा ये सहयोग किया है उन लोगों के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बधाई देता है और सभी लोगों से कहता है कि आप लोग इस फैसले को खुशी मनाइए, लेकिन कोरोना काल के कारण एक मर्यादा होती है, हम लोग उस कानून का पालन करते हैं। तो आप बिल्कुल 28 वर्ष पर वर्तमान राय आसी गुरुत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक राय जहां को दीर्घ 28 वर्ष धरी वरिष्ठ नेतृत्व माने अपेक्षा कर रही थे। बाबरी मस्जिद ढांचा भंग घटन समस्त अभियुक्त को दोषमुक्त कर पूर्व केते जनकर मृत्यु हो सारी जो अभियुक्त तालिका रे रखा जाइथिला पूर्व मामलार अभियुक्त थिबा अन्य 17 जनकर मृत्यु हो सारी एवं वर्तमान जो 32 जन अभियुक्त थिले सेमानकु दोषमुक्त करा जाइछि राय रे उल्लेख रही से लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी उमा भारती कल्याण सिंह समेत अन्य अभियुक्त को दोषमुक्त कर लखनऊ स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट प्रमाण अभाव मामलार छाड़ पाई सबु अभियुक्त स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट विचारपति कहते जे बाबरी मस्जिद भंगा घटना पूर्व प्रायोजित नथिला कानून का राज है, इसी को कहते हैं रामराज, इसी को कहते हैं कानून का राज और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उनकी हार हुई है। इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। बाबरी मस्जिद राय आसला परे देश में संपूर्ण भाव प्रमाणित हो जाए जे देश आश में गणतंत्र शासन अधपतन होट्यूशन मान इट्यूशन मान संपूर्ण रूप सरकार बाबरी मस्जिद भांगा और भारत जोड़ा तो संगे संगे सारा सारा पृथ्वी देखी जदि सेठाकर एक्यूज मैंने निःशर्त बिना दोष में जो खलास ये प्रमाणित हो सारी देश में आज न्याय व्यवस्था ना डिसेंबर 6 रे बाबरी मस्जिद विवादय ढांचा को भंगा नहीं अभियोग आठ जो माने उपस्थित थिले आडवाणी हुंतु जोशी हुंतु किंवा उमा भारती कल्याण सिंह ए समस्त लोकों को अभियुक्त बोली अभियोग होइथिला एवं विवादय ढांचा भांगिबा को समस्त उपस्थित लोकों को उस्काई थिले बोली अभियोग होइथिला। मामलार अभियुक्त थिले 32 जन 28 वर्ष पुराणा मामलें पूर्वतन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी यूपी पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पूर्वतन केन्द्रमंत्री मुरली मनोहर जोशी पूर्वतन मुख्यमंत्री उमा भारती साक्षी महाराज साध्वी रितंबरा विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय समेत 32 जन अभियुक्त थिले।